ये बार है ना बिग बॉस खुद कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। ऊपर से भी प्रेशर है अंकिता को जिताने का, प्लस मैं ये करने जाऊँगा तो ऑडियंस क्या समझेगी। कल तो रोहित शेट्टी को बुलाया था ना, अब कल जो चीज़ें हुई वैसी ही सब चीज़ें आज कर रहे थे। वो तो अच्छा है, बीच में बहुत सारे लोग आए और नो डाउट, ये रोज़ बोलने वाली बात नहीं है, बट नो डाउट कि अंकिता के तरफ फुल बायस्ड है बिग बॉस, वो आज भी प्रूफ हो गया। हम जाएंगे अलग अलग चीज़ पे जाएंगे, और मैंने जो चीज़ें कल बोली है वो आज नहीं बोलूँगा, तो आप कल का रिव्यू देख लेना, वो आज से भी कनेक्टेड है जिसने ना देखा हो, क्योंकि कल के रिव्यू में पूरा एक से एक डिटेलिंग में बताया है, और आज भी है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ तो अभिषेक है, उसको आपको डाउन करना था, आपको चाहिए कि लोग अभिषेक को वोट ना करें, इसलिए वो जो मिस्टर दिबांग है उन्होंने आने के साथ घटिया बदतमीज़ अभिषेक के बारे में अलग सलग बहुत सारी बातें कर दी, तो इससे ऑडियंस जो है वो अभिषेक को लेकर अलग सोचे कि ये उनको लगा। और दिबांग सर आपने बोला कि तुम्हारे बारे में बाहर लोग ये सोच रहे, बाहर तो सब पॉजिटिव सोच रहे, वो जो शालिन ने ऐसे हाथ दिया ना तो शालिन का बोलने का मतलब यही था कि तेरी तरफ है अभिषेक, जनता टेंशन मत ले। शालिन है ना, वो मिस्टर दिबांग है, वो शालिन को घुमाने गए, शालिन ने मिस्टर दिबांग को घुमा दिया। कभी भी लाइफ में किसी के बारे में उसी के दोस्त को अगर पूछना है इसकी क्या गलती है, तो उसे ये सवाल दे दो कि तू क्या दो चीज़ सुधारना चाहेगा, तो वो उसकी गलतियाँ ही बताएगा ना, समझे ना, तू इसकी क्या दो चीज़ सुधारना चाहेगा। ये सब दिमाग से खेलते हैं ये लोग, तो ये गलतियाँ बताएगा ना। अब शालिन है इंटेलिजेंट, शालिन ने बोला एक चीज़ तो है उसने ऑलरेडी करेक्ट कर दी है जो दिल का मामला है, सेकंड फोकस रहना। शालिन ने अभिषेक की बुराई नहीं की, दिबांग ने पूरी कोशिश की ऑडियंस के सामने अभिषेक को डाउन डालने की, उसके बाद मुनावर को भी डाउन डालने की बहुत कोशिश की गई। हम बात करते हैं, हम पहले छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं जो रोज़ करते हैं, प्लीज़ मैं जो बोल रहा हूँ ना फील करना, ऊपर वाला करे पूरी दुनिया में अमन शांति रहे, ऊपर वाला हर किसी को अच्छा दिमाग दे ताकि वो जाने अनजाने किसी के साथ बुरा ना कर सके। जो इंसान इस दुनिया में बहुत मेहनत करता है ना उसे सफलता मिले, जॉब में जो इंसान बहुत काम कर रहा है उसे प्रमोशन मिले, बिजनेस में जो बहुत मेहनत कर रहा है उसे प्रॉफिट मिले, हर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, यंग जनरेशन जो भी दिल लगा के पढ़ाई करती है उसके अच्छे मार्क्स आए, जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है ऊपर वाला करे कि उसका पढ़ाई में दिल लग जाए, आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, आप सबके घर पर खुशियाँ आए, कभी कोई तकलीफ़ ना आए, और ऊपर वाला ना करे अगर कोई तकलीफ़ आ भी गई ना तो वो रास्ता बताएं और तकलीफ़ हट जाए, थोड़ा सब्र रखना, पेशेंस धैर्य रखना, तकलीफ़ चले जाएगी, वो रास्ता बताएगा। हम पब्लिक रिएक्शन देखते हैं और हम मिलते हैं। आज जो मैं बात करूँगा ना एकदम अलग चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना आज की बातों। दो कमेंट लेते हैं, डिजर्विंग विनर अंकिता, अनदर वाइट वॉश एपिसोड फॉर अंकिता, उफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाई कलर्स चैनल एंड बिग बॉस, क्या अंकिता अंकिता लगा रखा है और कितना वाइट वॉश करोगे, मनारा रिस्पेक्ट बटन। फाइनलिस्ट बिग बॉस की मेहरबानी की वजह से है वरना कब का बाहर होती। कुछ भी कहो लेकिन बंदे ने शो के लिए रिस्पेक्ट दिखाई है, बंदा कहीं पे भी फेक नहीं दिखा, मैं मुनावर का फ़ैन हूँ, उसके बाद कोई शो जीते तो मैं कहूँगा अरुण भाई को विनर बना दो। द रियल पर्सन इन बेबी हाउस अरुण भाई, नॉट अ फैन ऑफ पूजा बट रिस्पेक्ट, वेल स्पोकन, नेवर थॉट आई विल से दिस बट आई 100% एग्री विथ एवरीथिंग पूजा भट्ट सेड। मनारा बेबी 17 क्वीन डिजर्व टू विन ट्रॉफी, मनारा। अभिषेक विनर, अभिषेक एंड शालिन, अभिषेक फॉर द विन, बहुत दिनों बाद शालिन इन दी हाउस, अभिषेक फायर, अभिषेक कुमार विनर। मुनावर एंड करण लव यू, मुनावर की ट्रॉफी तो दिखाओ बिग बॉस, मुनावर विनर। ये लास्ट कमेंट, इसके बाद रिव्यू चालू करते हैं। बिग बॉस के कंटेस्टेंट बोलते हैं मुनावर रिश्ते नहीं बनाता, इनको बताओ ये रिश्ता कैसा है। करण एंड मुनावर रियल ब्रदर्स, मुनावर बेस्ट 100% विनर। अब देखो सबसे पहली चीज़ मुनावर, तो अब मुनावर को तुम रुला रुला के कितना रुलाओगे। कुंद्रा ने कहा ना हंसने दो ना इसको, बिग बॉस में आया है वो, आपने आयशा को भेज दिया टीआरपी के लिए, उसकी लाइफ की बैंड बजा दी, वो इतना रोया रोया रोया, अब कल फिनाले है आपको मुनावर को आज भी रोलाना है, क्या कर रहे हो। सब पैसा नहीं होता, ऐसे पैसे काम के भी नहीं है, बाहर बाहर कौन क्या पूछेगा, बाहर तो हम वीडियो देखते हैं तो जो मीडिया रहती है
सर लेफ्ट, सर राइट, सर सेंटर में देखो। इसके अलावा किसी ने कुछ मजाक में पूछ लिया तो पूछ लिया, क्या बोल रहे हो, जितना बिग बॉस में पूछा गया है उतना तो बाहर की दुनिया में कोई पूछेगा भी नहीं। और उसे जितना आंसर देना था जिन जिन लोगों को, अभिषेक के लिए भी ये बोला गया कि तुम्हें बाहर फेस करना है। क्या फेस करना है अभी, क्या इंसान क्या बिग बॉस में आके मतलब क्या बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है? एक कैरियर बनाने के लिए इंसान बिग बॉस में आता है और बिग बॉस तुम है ना इसका फ़ायदा उठाते हो, तुम क्या करते हो, मैं तुझे ना खींच के नीचे लेके आऊँगा, मैं तुझे खींच के नीचे लेके आऊँगा, धज्जियाँ उड़ा दूंगा, उसके बाद तुझे काम मिलेगा। उसमें भी बिग बॉस में सब आते हैं ना, सब सक्सेसफुल नहीं होते। किसी किसी की इमेज बिग बॉस ऐसी वाट लगा देता है किसी किसी की इमेज की कि उसे बाहर काम भी नहीं मिलता है। बिग बॉस आपके शो में लोग आते हैं ताकि उनका कैरियर अच्छा हो। आप इस तरीके से नहीं करोगे कोई डिप्रेशन में चला जाए या किसी की हेल्थ खराब हो जाए, गलत करते हो आप, ऊपर से आप पार्शियलिटी करते हो। अंकिता के केस में आपने क्या किया बताओ ना, अंकिता के केस में जो मेरा वीडियो है पहली बार देख रहे हैं, मैं फिर से ये बताऊंगा। वीकेंड के बार पे विकी की मॉम का दिखा के सिंपति, विकी तू पांच अच्छी क्वालिटी बता तेरी वाइफ की, और आज गेम चल रही थी, आप विकी के ऊपर ब्लेम डाल रहे थे, अंकिता उसे बचा रही थी, आप ब्लेम डाल रहे थे, अंकिता बचा रही थी, क्या चल रहा था ये? हाँ, अंकिता को सिर्फ बुला कर ये शादीशुदा जिंदगी के बारे में ही बताना था। विकी के इमेज की तो आपने धज्जियाँ उड़ा दी, जैसे अंकिता ने तो कुछ किया ही नहीं है। अंकिता तो एकदम सही थी, अंकिता की तो कोई, सबको अभिषेक को आप घटिया और ये सब बोलते हो मिस्टर दिबांग, तो अंकिता को क्यों नहीं बोला गया? उन्हें कितना बुरा बुरा बोली, मुनावर की गोदी में जाके बैठ, सॉक सूंघ ले, गो फॉर एवरीबडी, मेरे से पंगा मत लेना। कल पता है मैंने ये बात रिपीट की है, बट आज मैं फिर से कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्लो के साथ चल रहा हूँ मैं। तो अंकिता का आपको हर जगह अच्छा दिखाना है, प्रेस में भी जो बंदा आया था कि आपको नहीं पता था बिग बॉस कि उसका रिलेटिव है, मतलब भाई जैसा ही है उसका, पता था आपको सब। प्रेस वाले ने क्यों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, वहाँ पर भी अंकिता को आपने सब चीज़ में सेफ रखा। उसके बाद वीडियो में भी आपने नेगेटिव नहीं बताया, मैंने ये भी बताया कि वीडियो में दूसरे लोगों का नेगेटिव बताया, इसका नहीं बताया, तो हीरो सबको बनाओ ना। उसके बाद आज भी हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे, मेन टॉपिक की क्यों बात नहीं कर रहे? और एंड में भी वो जो एस्ट्रोलॉजर आए थे वो भी कहते हैं कि न्याय मिलेगा अंकिता को, अंकिता के जीतने के चांसेस हैं, अंकिता या अरुण, वो कह रहा है मुनावर के साथ अंकिता या अभिषेक। तो तुम लोग तो पूरी तरीके से अरेंजमेंट करके बैठे हो कि अंकिता जीतेगी, तो ये चल रहा क्या है, मजाक है क्या ये? मुझे आज एक कमेंट आया था, हमें भी पता चल रहा है ये रहा। तो ऑडियंस को सब चीज़ें पता चलती है, आप ऐसे इन्फ्लुएंस से पार्शियलिटी से मत जिताओ, मज़ा नहीं आएगा। जो वोटिंग से हकदार हो उसे जिताओ बिग बॉस। ये जो मनारा के लिए फिर से आ गया एक छोटा सी थैंक्स लेकर, मैं जितना थैंक्स करूँ ना आपका उतना कम है। मेरे पिछले वीडियोस पर आपने जो लाइक किया है, कमेंट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज का वीडियो तो अभी चल रहा है, एडवांस में थैंक यू सो मच कहता हूँ जो लाइक करे, कमेंट करे। और अगर किसी ने वीडियो देखा पर अगर वो लाइक कमेंट नहीं भी कर पा रहा है, आप मेरे चैनल तक आए, आपने वीडियो खोला, आप वीडियो देख रहे हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। ये जो मनारा के लिए पूजा भट्ट आई थी, उसने जो बात कही है वो हम सब के लिए लागू होती है। वो जैसे वो मनारा की बात कही थी ना कि पीछे से कोई आके गाना गाता है तो लोग क्या कहेंगे, देखो एक बात याद रखना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमारा कुछ अच्छा होता है तो भी लोग कहते हैं, बुरा होता है तो भी लोग कहते हैं। बेटा तेरी उम्र हो गई, अभी तक तूने शादी क्यों नहीं की? अरे मेरी लाइफ, मुझे मेरा देखना है, आपको क्या लेना देना। शादी हो गई अभी तक बच्चा क्यों नहीं किया? मेरी लाइफ, करना हो करूँगा, नहीं करना हो नहीं करूँगा। बेटा तेरी जॉब इतनी अच्छी थी क्यों छोड़ दिया? अरे मैं आपको क्यों बताऊँ कि मुझे क्या तकलीफ थी, क्यों गॉसिप कर रहे हो, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। लोग हर जगह पे आपको जज करेंगे। हाँ, अगर आपका कोई सपना है उस वक्त आपके जो बड़े हैं उन्हें कहो कि मुझे इतना टाइम फ्रेम दे दो, और उस टाइम फ्रेम में आप अपने आप को आपका सपना पूरा करने के लिए इन्वॉल्व हो जाओ, फुल मेहनत करो, रात दिन एक कर दो, वो है ना कामयाबी देगा। और अगर ऊपर वाला ना करे, आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आपने एक टाइम फ्रेम दिया था ना, ठीक है ना, तो आप समझ जाओ कि ऊपर वाले को लग रहा है कि उसके अंदर कुछ तकलीफ है, तो फिर वहाँ से निकलकर जो आपके बड़े आपको राय दे वो करो। रियल में इस तरीके से होता है, बाकी दुनिया है गॉसिप करेगी, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ सुनाया जाएगा, कुछ ना कुछ बोला जाएगा। जो काम की बातें हैं वो यहाँ से यहाँ डालो, बाकी आपको लगे कोई गॉसिप कर रहा है जस्ट, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ओके, सुनो सबकी, करो आपके दिल की।
पूजा भट्ट ने एक तरफ बोला, अब दूसरा एडिटिंग में काटा है वो नहीं पता है, वो जो बार डांसर ईशा ने कहा था, हम जब किसी को एक उंगली ऐसे करते ना तो देखो तीन उंगली हमारी तरफ है ना, ईशा ने उसे बार डांसर कहा था, कितने लोग आकर कह रहे हैं कि ईशा ने ये गलत किया था और मनारा की रिस्पेक्ट कर रहे। एक चीज़ हमने और देखी अरुण भाई की, वो संदीप सिकंद आया था तो अभी संदीप सिकंद ने एकदम अलग तरीके से अभिषेक को बुली और ये सब चीज़ें कही, उसके पीछे ना एक रीज़न है, कोई किसी फलाने बंदे ने संदीप सिकंद को कुछ मेल किया कि तू उधर जाकर अभिषेक और मनारा की बुराई मत करना। तो मनारा का तो संदीप सिकंद का इतना समझ में नहीं आया, बट अभिषेक का तो उसने नाम लेके कहा कि बुल्ली करता है, तो वो मेल की कॉपी में बताता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊँगा बट देखो आप, और नीचे देख लो कि संदीप ने भी क्या लिखा है। तो इस वजह से वो सामने वाले को बताने के लिए उसने अभिषेक की बहुत ज़्यादा बुराई की। बाकी अरुण के बारे में ये रोज़ मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अरुण ने नहीं किया है, अरुण ने भी गेम के लिए काफ़ी कुछ किया है, अरुण का एक अलग ही सीन था बिग बॉस के अंदर। तो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से काफ़ी मेहनत की है। करण कुंद्रा ने भी मुनावर को क्लियर बताया कि भाई जो हो गया हो गया, अगर इंसान से कोई गलती हो गई है तो क्या उसे मार डालेंगे हम? अब गलती हो गई है, बंदा माफ़ी मांग रहा है, बंदा समझ रहा है, बंदे को एहसास है, बंदा सब फेस करने के लिए रेडी है, अब उसे छोड़ दो ना। आप मुनावर को हर बार रुलाओ, हर बार रुलाओ, हर बार रुलाओ, ये राइट नहीं है, ठीक है ना। और हर इंसान ना जैसे जैसे उम्र होती है, अपने से बड़े उम्र वाले के साथ रहता है तो सब चीज़ें सीखते जाता है। हर इंसान को है ना थोड़ा ह्यूमैनिटी से देखो। बिग बॉस तुम्हारा शो है, मानता हूँ मैं टीआरपी पैसा, पर थोड़ी बहुत इंसानियत भी रहना बहुत ज़रूरी है। अंत में यही बोलूँगा, कल फिनाले है, जो भी जीते हो वोटिंग से जीते, ये बिग बॉस कल ख़त्म। बिग बॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी ज़िंदगी, आपका कैरियर, आपकी हेल्थ, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना। आज आप यहाँ पर हो तो प्लानिंग करना कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचूँ। हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है तो हम ये ट्राई करें कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुशी कैसे दे सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं होता है ना, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।